एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद दीपिमन। आज हम करने वाले हैं क्लास टेंथ का थर्ड चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम पढ़ रहे हैं अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार और संघर्ष। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संबंध में यहाँ बहुत सारे प्रश्न जो है हम कर भी चुके हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं। 1868 ईस्वी में बंगाल के प्रमुख अखबार हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? तो बंगाल का जो प्रमुख अखबार था हिंदू पैट्रियट, इसके संपादक कौन थे? इसके संपादक थे कृष्टो दास पाल। ठीक है, याद रखना है आपको, कृष्टो दास पाल किसके संपादक थे? हिंदू पैट्रियट के। और यह अखबार निकाला जाता था बंगाल से। क्वेश्चन टू, इंडियन लीग की स्थापना कब हुई थी? इंडियन लीग की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1875 ईस्वी में बंगाल के विद्वानों द्वारा, क्योंकि जो अंग्रेज थे उन्होंने सबसे पहले बंगाल को ही अपना जो कब्जा है, अपना अड्डा जो है वह बनाया था, वहीं पर उन्होंने अपना राज्य जो है वो स्थापित कर लिया था। तो वहाँ कुछ शिक्षित वर्ग भी थे जो कि उनकी सभी जो हरकतें थी उनको जान भी गए थे। तो लोगों में राजनीतिक चेतना जागृत करने के लिए बंगाल के कुछ विद्वानों ने इंडियन लीग की स्थापना की 1875 ईस्वी में। क्वेश्चन थ्री है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? इंडियन लीग की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई, उसके एक साल बाद इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई 1876 ईस्वी में। दोनों ही याद रखने हैं, दोनों अलग ही हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, किसके नेतृत्व में कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में लगभग 800 लोगों ने राजनीतिक विचार रखने के लिए भाग लिया। ठीक है, तो बहुत सारे यानी कि 800 लोगों ने जो राजनीतिक विचार थे अपने, तो वह रखने के लिए यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। तो उसकी अध्यक्षता या उसके जो नेतृत्वकर्ता थे वह थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। क्वेश्चन फाइव, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने की? ठीक है, इंडियन लीग की स्थापना हमने देखा 1875 में, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई AOUM द्वारा, यह 1885 में की गई थी। ठीक है, AOUM का जो पूरा नाम है एलन ऑक्टोवियन ह्यूम, याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है कि AOUM का पूरा नाम क्या है, एलन ऑक्टोवियन ह्यूम। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना जरूर इन्होंने की थी, लेकिन कभी भी यह इसके अध्यक्ष नहीं रहे थे। नेक्स्ट है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली अध्यक्षता किसने की थी? देखिए अब आ गया कि किसने की थी अध्यक्षता, तो जो पहली अध्यक्षता थी वह ब्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। कब की थी? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। कहाँ की थी? बम्बई में की थी, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। देखिए पहले जो है जब प्लानिंग की गई थी इसकी अध्यक्षता की, तो वो पुणे में की गई थी, लेकिन पुणे में उस वक्त प्लेग की जो बीमारी थी वो फैल चुकी थी, तो उस वजह से वहां से शिफ्ट करके इसे बम्बई लाया गया। तो पहली अध्यक्षता जो है वो बम्बई में हुई थी 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। अध्यक्ष जो थे वह ब्योमेश चंद्र बनर्जी थे। क्वेश्चन सेवन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 28 दिसंबर को जो अधिवेशन हुआ तो उसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। क्वेश्चन एट, कांग्रेस का विभाजन कितने भागों में हुआ? कांग्रेस का विभाजन कितने भागों में हुआ था? तो कांग्रेस का विभाजन दो भागों में हुआ था। प्रथम 1885 से लेकर 1990 तक, ठीक है, जब कांग्रेस जब बना था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी 1885 ईस्वी में, उस वक्त केवल इसमें उदारवादी नेता ही थे। ठीक है, लेकिन उसके बाद यहाँ पर कुछ लोग जो थे वह इनकी बातों से सहमत नहीं थे, तो कांग्रेस का विभाजन हुआ। तो दूसरा विभाजन जो हुआ वह 1905 से 1919 तक, जिसमें उग्रवादी नेता यानी गर्मपंथी जो नेता थे वह भी शामिल हुए। तो कांग्रेस का विभाजन दो भागों में होता है, नरमपंथी और गर्मपंथी। प्रमुख उदारवादी नेता कौन थे? तो जो नरमपंथी नेता जो थे वह, देखिए याद रखने हैं, प्रमुख जो है उन्हें याद रखना है, दादाभाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, व्योमेश नाथ बनर्जी और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो मेरे साथ साथ ही इनको आप बोलते जाइए जिससे कि आपको लर्न हो जाए। प्रमुख उग्रवादी नेता कौन थे? ठीक है, तो उग्रवादी जो नेता थे यानी कि
जिन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था, ठीक है। प्रमुख उग्रवादी नेता कौन थे? लोकमान्य तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष। ऐसे याद रखिएगा आप कि जो गरमपंथी नेता थे वह थे लाल बाल पाल, ठीक है। लाल यानी कि लाला लाजपत राय, और बाल गंगाधर तिलक यानी बाल, और पाल यानी विपिन चंद्र पाल, ठीक है। तो इनको याद रखिएगा आप, ये उग्रवादी नेता थे, और जो बाकी हमने पहले पढ़े थे वो उदारवादी थे। होम रूल लीग को स्थापित करने की घोषणा एनी बेसेंट ने कब की थी? होम रूल लीग को स्थापित करने की घोषणा एनी बेसेंट ने कब की थी? तो हम पढ़ते हैं कि एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना में काफी प्रयास किया था। तो यह प्रयास उनका था 1915 ईस्वी में। नेक्स्ट है, होम रूल लीग की स्थापना किसने की, ठीक है। प्रयास किया था एनी बेसेंट ने 1915 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद पूना में 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की। उसके बाद एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, इन दोनों की संस्थाओं ने मिलकर इसमें कार्य किया था। लेकिन जब स्थापना की बात आएगी तो वहां आपका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक, और इन स्थापना जो है वो कब होती है? 1916 ईस्वी में। रोलेक्ट एक्ट कब पास किया गया? रोलेक्ट एक्ट कब पास किया गया? यह है 19 मार्च 1919 को पास किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, रोलेक्ट एक्ट को अन्य किस नाम से जाना गया? रोलेक्ट एक्ट को किस नाम से जाना गया? इसे काला कानून कहा गया क्योंकि इसमें बिना संदेह के ही गिरफ्तारी की गई थी। देखिए, रोलेक्ट एक्ट जो है वो सर सिडनी रोलेक्ट की अध्यक्षता में पास हुआ था। तो इसमें क्या था कि बिना किसी संदेह के कोई भी गिरफ्तारी जो है वो कर ली जाएगी, पूछा भी नहीं जाएगा कि तुम्हें किस लिए गिरफ्तार किया जा रहा है, और इसे ही काला कानून कहा गया। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो यह हत्याकांड जो है वह 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। तो रोलेक्ट एक्ट के विरोध में, जो जलियांवाला बाग में अमृतसर में लोगों ने आपस में बात कर रहे थे, तो वहां पर बिल्कुल शांति थी, लेकिन फिर भी जो अंग्रेज अफसर था वह वहां आया और उसने बिना संदेह के ही वहां सभी पर गोलीबारी स्टार्ट कर दी, और वहां पर कई लोग जो हैं वह बहुत ज्यादा लोग जो हैं वह मारे गए थे। तो देखिए, यहाँ पर कई लोगों ने तो ऐसा भी किया था कि जलियांवाला बाग में एक कुआं है, वहां पर जाकर लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए वहां कूदना स्टार्ट कर दिया था। तो सभी अपनी जान बचाने के लिए कूदे जा रहे थे, और कहते हैं कि वो कुआं जो है वो लोगों से ही भर गया था, ठीक है। तो यह हत्याकांड जो है वो सबसे बड़ा हत्याकांड जो है वो माना जाता है। यह हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट है, किसके आदेश पर जलियांवाला बाग में गोली चलाई गई थी? तो इसका नाम जो है वो विशेष रूप से पूछा जाता है कि जो जनरल डायर था, ठीक है, जनरल डायर, तो इसके आदेश पर जलियांवाला बाग में गोलियां चलाई गई थी। नेक्स्ट है, खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो यह आंदोलन जो है वह भारतीय मुसलमानों के द्वारा प्रारंभ किया गया था। और क्यों किया गया था? तुर्की के मुस्लिम जो खलीफा थे उनके सम्मान में किया गया था। खिलाफत आंदोलन की डेट पूछी जाती है 17 अक्टूबर 1919 को। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 18, खिलाफत आंदोलन की समाप्ति कब हुई थी? खिलाफत आंदोलन की समाप्ति जो है वह कब हुई थी? इसका आंसर है, इसकी समाप्ति हुई थी 10 अगस्त 1920 को, ठीक है। 1 साल तक चला था यह आंदोलन, तो यह आंदोलन की समाप्ति हुई थी सैब्र की संधि से। क्वेश्चन 19, खिलाफत आंदोलन के समय गांधी जी ने कौन सी उपाधि लौटाई थी? देखिए, गांधी जी ने 1919 में जो उनको अंग्रेजों ने केसर ए हिंद की उपाधि दी थी, तो उन्होंने इस उपाधि को लौटा दिया था। हम कई बार ये भी पढ़ते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से जो गांधी जी थे उन्हें बहुत परेशानी हुई थी, उसके बाद उन्होंने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी। तो देखिए, सन वही है 1919 ईस्वी में, खिलाफत आंदोलन की भी डेट वही है और जलियांवाला बाग हत्याकांड की भी वही है। तो इन दोनों की वजह से ही गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधि केसर ए हिंद को वापस कर दिया था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब किया?
गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किया 1920 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन का अर्थ है कि यानी सहयोग ना करना, ठीक है। तो अंग्रेजों के द्वारा जो भी उनकी जो वस्तुएं थी और उनके जो भी कार्य किए गए थे, जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो यहाँ पर लोग जो थे वो बहुत ज्यादा अंग्रेजों से परेशान थे। तो अब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया कि अब हम बिल्कुल भी सहयोग नहीं करेंगे। असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे, तो देखिए मैंने आपको अभी बताया, एक तो रौलेट एक्ट, दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड, हंटर कमेटी की रिपोर्ट जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के जो भी जांच थी उनको करने के लिए आई थी, लेकिन फिर उसकी खाना जो भी खाना पूर्ति है उसको करके चली गई। उसने कोई भी रिपोर्ट जो है वो सही नहीं दी। तुर्की विभाजन, खलीफा का पद समाप्त, ये सभी कारण थे कि इस वजह से गांधी जी ने 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन किया। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब किया और क्यों वापस लिया? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में किया, ठीक है, ये हमने देख लिया है। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया 1922 में, 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। लेकिन ये क्यों लिया था? क्योंकि 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चोरी चोरा स्थान पर जनता ने पुलिस चौकी में आग लगा दी थी, ठीक है। तो जो पुलिस वाले थे उन्होंने जनता पर बहुत प्रहार किए, ठीक है। उसके बदले में वहां के लोग जो थे उनको उनकी नाराजगी थी, उनकी वजह से जनता ने क्या किया, पुलिस चौकी में आग लगा दी। तो आग लगाने की वजह से बहुत सारे जो पुलिस अंग्रेज थे वो मारे गए थे। तो गांधी जी इस चीज से परेशान हुए थे और उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, क्योंकि गांधी जी कभी भी नहीं चाहते थे कि अगर हम कुछ भी कार्य करें तो वहां पर हिंसा का सहारा लें, इसीलिए उन्होंने वापस ले लिया। याद रखना है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में स्टार्ट किया था, 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया था। क्यों ले लिया था? उसका कारण था चोरी चोरा स्थान पर जो भी जनता ने पुलिस चौकी में आग लगाई थी उस वजह से। क्वेश्चन 23, स्वराज्य पार्टी का गठन किसने किया? स्वराज्य पार्टी का गठन किसने किया? इसका गठन मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया, ठीक है। किसने किया? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। क्वेश्चन 24, साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे और ये सभी अंग्रेज थे, इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। इसी के लिए ही भारतीयों ने साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लगाया था और इसी वजह से लाला लाजपत राय जो हैं उन्होंने लाहौर से ही साइमन कमीशन को वापस जाने के लिए वहां पर आंदोलन भी किया और वहीं पर इसकी वजह से लाठीचार्ज में उनकी मौत भी हो गई थी, ठीक है। तो साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे, याद रखना है, सभी अंग्रेज थे, कोई भी भारतीय नहीं था। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन किस किसकी अध्यक्षता में बनाया गया था? यह है सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में बनाया गया था 1927 ईस्वी में, ठीक है। 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन जो है वह बना था। साइमन कमीशन को बनाने का क्या कारण था? तो इसका कारण था 1919 के भारत सरकार अधिनियम के कार्यों की समीक्षा करने के लिए। नेक्स्ट है 27, साइमन कमीशन 1927 में बना था लेकिन यह भारत कब पहुंचा था? ये डेट याद रखनी है, 1928 में, ठीक है। 1927 में साइमन कमीशन जो है वो बना था, ठीक है, और साइमन की अध्यक्षता में, और यह 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा था। बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं इसमें इंपॉर्टेंट हैं, देखिए हर एक क्वेश्चन को आप ध्यान दीजिएगा। साइमन कमीशन का विरोध किसके नेतृत्व में किया गया? तो इसका विरोध जो है वह लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में किया गया। क्वेश्चन 29, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव कब पास किया? कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव कब पास किया? तो स्वराज्य की जो मांग है वो पहले से ही की जा रही थी, लेकिन कांग्रेस ने इसका प्रस्ताव जो है वह 30 दिसंबर 1929 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पास किया, ठीक है। तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज्य पार्टी जो है वह बनाई थी।
उसके बाद 1929 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पास किया। डांडी मार्च कब हुआ? डांडी मार्च कब हुआ? तो डांडी मार्च की डेट जो है वह याद रखनी है आपको, सीटेट में पूछी गई थी 2 बार, ठीक है, एसएसटी के एग्जाम में। तो देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है ये डेट। डांडी मार्च जो है वह 6 अप्रैल 1930 में, यह मार्च जो है वह डांडी मार्च निकाला गया था गांधी जी के द्वारा। इसमें गांधी जी ने 78 सदस्य के साथ साबरमती आश्रम से 200 किलोमीटर दूर गुजरात के डांडी गांव तक ये पैदल चले थे, और वहां उन्होंने नमक बनाकर जो कानून था उसे तोड़ा था अंग्रेजों के द्वारा, क्योंकि अंग्रेज जो थे वो नमक पर भी कर ले रहे थे, तो इस वजह से उन्होंने नमक बनाकर वहां अंग्रेजी कानून को तोड़ा था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता जो है वह 5 मार्च 1931 में सरकार और कांग्रेस के बीच में हुआ था, ठीक है, सरकार और कांग्रेस के बीच में। नेक्स्ट है, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? देखिए 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, जिसमें से दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जो है गांधी जी ने भाग लिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 33, कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन कब प्रारंभ किया था? कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया था 1940 ईस्वी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही कौन थे? व्यक्तिगत सत्याग्रह में पहले जो सत्याग्रही थे वो कौन थे? तो पहले थे विनोबा भावे, ठीक है, विनोबा भावे का नाम आता है, याद रखना है। व्यक्तिगत सत्याग्रह में सबसे पहले सत्याग्रही थे विनोबा भावे, उसके बाद दूसरे जवाहरलाल नेहरू थे, तीसरे ब्रह्मदत्त थे, ठीक है, विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, ब्रह्मदत्त, बिल्कुल सीरीज से याद रखिएगा, विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मदत्त, चाहे फर्स्ट पूछे चाहे सेकंड पूछे। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो 1942 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के किन नेताओं ने भूमिगत रहकर आंदोलन चलाया? अब ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा जाने वाला है, ठीक है, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन जो है वह याद रहता है। उसमें कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के किन नेताओं ने भूमिगत रहकर आंदोलन चलाया? तो अब देखिए इनके नाम याद रखने हैं, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, रामानंद मिश्रा, एस एम जोशी और अच्युत पटवर्धन। रिपीट कर देते हैं, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, रामानंद मिश्रा, एस एम जोशी और अच्युत पटवर्धन। अब ये क्वेश्चन जो है वो आपको याद हो जाएंगे, तो उसके लिए आपको वीडियो जो है वो 2-3 बार तो देखो देखना ही होगा, क्योंकि अगर आप एक बार देखते हैं तो ये आपके माइंड से कुछ तो याद रहेंगे और कुछ आपके माइंड से फिसल जाएंगे, लेकिन अगर आप 2-3 बार इनको देख लेते हैं, ज्यादा बड़ा भी नहीं होता है वीडियो, तो आपके माइंड में ये फिट बैठ जाएंगे, और उसके बाद जब हम टेस्ट लेंगे तब आपके ये बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, एक एक क्वेश्चन जो है वो आपके माइंड में बैठ जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन के साथ ही वो टेस्ट लिया जाएगा। क्वेश्चन 37, बम्बई में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो बम्बई में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व करने वाले थे अरुणा आशफ अली, अरुणा आशफ अली। तो ये था आपका अंतिम क्वेश्चन। देखिए मैंने सोचा था कि ये लास्ट वीडियो होगा, लेकिन वीडियो जो है वो काफी लंबा हो जा रहा था, और अभी आपके इस चैप्टर में प्रजामंडल आंदोलन, जनजातीय आंदोलन और किसान आंदोलन, ये सभी है, जिसमें हम बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बेंगू आंदोलन और सीकर का आंदोलन, अलवर का निमूचना आंदोलन, ये सभी पढ़ते हैं, तो ये आपके सिलेबस में है और आपको याद रखना है। जब आप राजस्थान का इतिहास पढ़ते हैं तो वहां पर ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो ये भी हम नहीं छोड़ सकते हैं। तो आपका एक और वीडियो आएगा तो उसको भी आप प्लीज अच्छे से देखिएगा, क्योंकि अब ये एक भी क्वेश्चन है अगर आपने छोड़ दिए तो इनमें से ही आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा एग्जाम में, ठीक है, तो आपकी सारी मेहनत जो है वो बिल्कुल बर्बाद नहीं होनी चाहिए, हर क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है, तो हम लोग तैयारी जो है वह है एग्जाम क्रैक करने के लिए ही कर रहे हैं, तो आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है।
आप इस वीडियो को 2-3 बार देखिएगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।